good morning students how are you i hope you all are fine so today we are going to revise chapter number 5 of first flight the hundred dresses part 1 written by alzor esther so let us start it from the introduction the hundred dresses is a story about a girl who is teased by her classmates because she is different wanda petronsky a girl

स्कूल में हमेशा एक ही ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस डाल के आती है जबकि वो स्कूल में बताती क्या है कि उसके पास हंड्रेड ड्रेसेस हैं और उसके क्लोजेट इज़ अल्मीरा टू कीप क्लॉथ्स तो उसके क्लॉथ्स अल्मीरा uh, में हंड्रेड ड्रेसेस पड़ी हैं द स्टोरी इज़ टोल्ड फ्राम द प्रस्पेक्टिव ऑफ़ वन क्लासमेट्स मैडी हु इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ़ मेन प्लेयर पैगी In the daily taunting and teasing, Maddie begins to wonder about the girl. She and her friends used to constantly tease and realize that she knows very little about her. She begins to wonder why they started teasing her in the first place and is overcome with guilt for making fun of her simplicity because she is poor and has a funny. नेम एंड इज़ डिफरेंट फ्राम देम फिर दो लड़कियाँ पैगी और मैडी हैं वो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं हर बात पर इस बात पर वांडा बहुत पेनफुल फील करती है कि वो क्यों उसका मजाक उड़ाती हैं मैडी नोज़ दैट शी शुड हैव स्टूड अप टू हर फ्रेंड्स एंड डिफीट डिफेंडेड वांडा जबकि पैगी सोच uh, मैडी सोचती है कि उसको वांडा को डिफ़ेंड करना चाहिए बचाना चाहिए शी फील्स गिल्टी फॉर नॉट स्पीकिंग अप फॉर स्टैंडिंग बाय अयर अलॉइंग हर फ्रेंड्स टू टीज वांडा वो इस बात को अच्छा तो नहीं फील करती कि सब वांडा का मजाक उड़ा रहे हैं शी वॉन्ट्स टू गो अगेंस्ट हर फ्रेंड्स बट शी डेंट गो बिकॉज उसको लगता है कि अगर वो अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट जाएगी तो उसके फ्रेंड्स उसका भी कहीं वांडा की तरह मजाक उड़ाना ना शुरू कर मैडी एंड हर फ्रेंड्स लेटर डिस्कवर दैट वांडा इज़ अ टेलेंटेड आर्टिस्ट एंड देट हर ड्राॅइंग ऑफ वन हंड्रेड ब्यूटिफुल ड्रेसिज हैज़ वन द स्कूल्स आर्ट कॉन्टेस्ट मैडी को एंड में पता चलता है बाद में पता चलता है कि वांडा इतनी टेलेंटेड है कि उसने स्कूल में जो वन हंड्रेड ड्रेसिंग का ड्राॅइंग कॉन्टेस्ट हुआ था वो जीत लिया था द गर्ल्स रियलाइज दैट दे मिसगाइडेड मिस जस्ट वोंडा and feel incredibly guilty for never believing her stories of her 100 dresses so let us start the summary wanda patronski seat kivanda Pet uh, petronski ki pe wanda was a young polish girl whose family had immigrated to america there in one of the towns she studied in a school with other american students she was in usa so she

Wanda had a fixed seat in her class. She used to sit in the corner of room number 13 in the last row. This was a corner where the rough boys sat and made a lot of noise. Often there, occupied, there occurred a lot of noise of the feet when some fun occurred. Wanda was not like them. On the contrary, she was very quiet and timid. She, But as she came on foot from Boggins Heights, एरिया एंड ब्रॉड अलॉट ऑफ डर्ट विद हर शूज़ शी प्रिफर टू सिट अवे फ्राम अदर्स स्टूडेंट्स ऑफ अलाइट क्लास हो मेड फन ऑफ हर पॉवर्टी वो बॉगिन हाइट से आती थी पैदल आती थी तो उसके जो शूज़ हैं वो गंदे हो जाते थे फिर उससे एक तो क्या आता था कि क्लास भी गंदी हो जाती थी और उसको ऐसा लगता था कहीं मैं किसी और से टच कर जाऊँ तो वो भी गंदे ना हो जाएँ तो इसलिए शी था दैट इट वॉज बेटर टू रिमेन अवे फ्राम द अपर क्लास स्टूडेंट्स पैगी मेक्स फन ऑफ वांडा पैगी कैसे वांडा का मजाक उड़ाती है वांडा वॉज अ काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट गर्ल एंड कैप्ट क्वाइट मोस्ट ऑफ द टाइम इन फैक्ट नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ किसी ने उसको कभी हंसते नहीं देखा स्टूडेंट्स पेड अटेंशन टू हर ऑन दी आउटसाइड द स्कूल आर्ट्स वाई गोइंग बैक होम दे वेटेड फॉर हर हर इन ऑर्डर टू मेक फन ऑफ हर Two of her classmates, Peggy and Maddy, often did so. And maximum fun of Wanda was made by Peggy and Maddy. Peggy was pretty with curly hair and was the most popular girl in the school. As she belonged to a rich family, actually Peggy was we can say the companion and friend of Maddy. Otherwise, Peggy belonged to a very rich family but Maddy belonged to an, a middle class family. So peggy was the most popular girl of the school as she belonged to a rich family she had several pretty clothes maddie on the other hand came of a moderate family but was peggy's closest friend. a hundred dresses and sixty pair of shoes wanda would become a victim of criticism and fun because her weird name and her faded dress. Why everyone made fun of Wanda because her name was very much different from the other American children and her dress was always faded as she used to wear a blue colored dress always. Peggy and Maddie were not bad girls but they used to have some fun with Wanda as they found her name funny. Peggy made fun of Wanda and asked her how many dresses she had in her closet. But the maximum one was made by Peggy and Maddie, who used to ask about the dresses she had. Every time, Wanda would reply that she had 100 dresses of different colors and designs. Peggy would also ask her if the dresses were made of silk. Wanda would reply that she had dresses of silk as well as of velvet. On being asked, Wanda would also tell them that she had 60 pairs of shoes. The girls would suppress their laugh when talking of her. But as soon as Wanda's back was turned, they would burst into peals of laughter. Aur jaise Wanda murti thi, toh sabhi hasna shuru kar deti PEGGY AND MADDIE <coughs> Peggy may seem to be mischievous, but she was not arrogant. Rather she saved younger girls from the bullies. Jo Peggy thi wo mischievous to thi lekin arrogant nahi thi. and she used to save the other younger girls from the bullies of others. She and other girls could not understand why Wanda behaved strangely and gave false statements about her dresses and shoes. However the girls only made fun of Wanda they never made her cry. मैडी टू वॉज अ पुअर गर्ल एंड यूज टू वेयर द क्लॉथ्स गिवन बाय अदर्स देखो मैडी वॉज नॉट ऑफ द स्टेटस ऑफ पैगी पैगी वॉज द रिचेस्ट गर्ल इन द क्लास बट मैडी वॉज द फ्रेंड ऑफ पैगी बट नॉट एज रिच एज पैगी वॉज तो जो पैगी है वो तो नए कपड़े लेती थी लेकिन मैडी जो है वो पुराने लोगों के जो कपड़े दिए हुए ए होते थे उनको ही ठीक करके पहन लेती थी सो शी वॉज लिटिल सिंपथेटिक टू वर्ड्स वांडा बट नैवर ऑब्जेक्टेड टू पैगीज रिमार्क्स एज बोथ वर फास्ट फ्रेंड्स शी हर सेल्फ नेवर लाफ डांडा शी डेंट लाइक पैगीज आस्किंग वांडा अबाउट ड्रेसिज वेन एवर पैगी मॉक डेट वांडा मेडिफेल्ट बैड शी विश्ड दैट पैगी शुड स्टॉप टीजिंग वांडा मैडी इवन डिसाइडिड टू राइट अ नोट फॉर पैगी आस्किंग हर टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा बट शी कुडेंट मस्टर अप द कवरेज सो मैडी ने सोचा कि वो पैगी को एक लैटर लिखेगी कि काइंडली डोंट मेक फन ऑफ वांडा इन दिस वे बट शी थॉट दैट इफ शी वुड राइट अ लैटर दैन इट माइट हैपन दैट पैगी वुड स्टॉप टॉकिंग विद मैडी ऑल्सो सो शी डेंट राइट अ लैटर The drawing and color contest. Wanda was absent from school on Monday, but nobody missed her. Ek day, Wanda school not ne but nobody missed her. She remained absent next day also. But when she missed the school for the third consecutive day, that was Wednesday. Peggy and Maddy noted her absence. They wondered why she had not come to school. Maddy remembered Wanda talking. Uh, about one of her dresses, which was pale blue with coloured trimmings. Meanwhile, a drawing and colour contest approached nearer, and Maddie began thinking about it. The girls were to design dresses, and the boys were to design motor boats. In Maddie's opinion, Peggy would win the contest as she was very good at making designs. Maddie ko lag raha tha ki Peggy her kaam mein, class mein top hai, so she would win the contest also the result it was the day when miss mason would announce the result of drawing contest ab result ka din aa peggy and maddy hurried to their school as it was drizzling nobody waited for vanda vanda ke kisi ne wait nahi ki and the girls reached their school only to be surprised hundreds of designs of dresses were displayed in the room जो उनका रूम था क्लास रूम था क्लास रूम वॉल्स पे हंड्रेड डिज़ाइन जो ड्रेसेस के थे वो डिस्प्ले हो रखे थे मिस मैसन अनाउंस दैट बैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़ फिर मिस मैसन इट वॉज द टाइम टू अनाउंस द रिज़ल्ट मिस मैसन वॉज द टीचर शी अनाउंस द रिजल्ट जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़ बॉयज़ की साइड से जैक बैगल्स ने जो है वो जीत गया था शी ऑल्सो सेट दैट ऑल द हंड्रेड डिज़ाइन ऑफ ड्रेसिज हैड बीन मेड बाई वन गर्ल हु हैड वन द मेडल वे टीचर ने बोला कि जो हंड्रेड डिज़ाइन गर्ल्स के हैं वो एक ही लड़की ने डिज़ाइन किए हैं और उसको मेडल मिला है शी वॉज़ नो अदर बट वांडा पेट्रॉन्स की वो कोई और नहीं लेकिन वांडा थी वांडा एबसेंस एवरी एवरीवन वॉज एस्टॉनिश्ड ना एवरी वन सरप्राइज्ड सरप्राइज टू नो दैट वांडा कुड ड्रॉ बट ही वॉज एबसेंट ऑन दैट डे टू एवरीवन वन अपलॉडेड एज द स्केचेस मेड बाय हर वर ऑल ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट पैगी एंड मैडी आइडेंटिफाइड द ब्लू एंड द ग्रीन ड्रेस वंस मैंशन बाय वांडा फिर पैगी एंड मैडी ने वो ड्रेस आइडेंटिफाई की जो ब्लू और ग्रीन कलर की थी और एक बार वांडा उस ड्रेस की बात कर रही थी देवर शॉक टू नो हर ग्रेट क्वालिटी ऑफ ड्राइंग एंड अप्रिशिएटेड हर ड्राइंग्स होल हार्टेडली फिर उन्होंने उसके ड्राइंग को बड़े अच्छे से अप्रिशिएट किया Theme: One of the themes of the story is bullying because even though Peggy and Maddie don't think of their teasing as bullying and do not mean to make Wanda unhappy, it is bullying nonetheless. Yeh kya thi Yeh ek ki bullying hi thi. Chahi wo thi, that it is not a type of bullying. Maddie begins to recognize it as such but doesn't want to say anything in case the teasing transfers to her instead of Wanda. मैडी सबको रोकना तो चाहती थी लेकिन नहीं रोक पाई क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो इसे रोकेगी तो कहीं ये जो टीजिंग है ये वांडा से उसकी तरफ ना बदल जाए एंड अदर थीम इज़ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विच मे many of us may have faced or may have meted out to others when someone is different from the mainstream of society he or she may have to face some sort of racial discrimination this is a sad aspect of human life but it happens in almost every country. This story is about a Polish girl who is living in America. The Polish girl is subjected to everyday humiliation for being different in terms of funny name, accent, unusual dress, etc. So जब हम किसी और country में जाते हैं और जो हमारा status है अगर वो थोड़ा सा low होता है तो हमें काफी चीजें face करनी पड़ती हैं. So characters

द्वारा आंसर देती है अच्छी सी ड्रेसेस डिजाइन करती है एंड मैडी एंड पैगी गेट द आंसर टू ऑल द बुलीज नेक्स्ट करेक्टर इज मैडी मैडी वॉज वॉन्डाज क्लासमेट ही वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड लाइक वांडा मैडी ऑल्सो बिलोंग टू अ पुअर फैमिली एंड शी ऑल्सो यूज टू वीअर द क्लॉथ्स गिवन बाय अदर्स शी वॉज वेरी मच सिंपथैटिक टू वांडा बट शी एंड इवन शी वांट्स दैट पैगी शुडेंट टीज वांडा लेकिन वो इस टीजिंग को नहीं रोकती है क्योंकि वो सोचती है कि ऐसा भी हो सकता है कि पैगी अगर वांडा को टीज करना बंद कर देगी उसकी इंसल्ट करना बंद कर देगी तो कहीं मेरी इंसल्ट करना शुरू ना कर दे मैड टास्क पैगी टू तो स्टॉप टीजिंग बिकॉज शी डेंट हैव द करेज टू डू सो And the last character is Peggy. Peggy was Wanda's classmate. She enjoyed the status of being the most popular girl in school, as she was pretty and had curly hair. She came to of a rich family and had many pretty clothes. She was somewhat mischievous, as she used to have some fun with Wanda because of her weird name and dressing sense. जो सबसे रिच गर्ल थी वो पैगी थी इसलिए सबसे ज्यादा मजाक भी कौन उड़ाती थी पैगी ही उड़ाती थी शी एंड द मैक्सिमम फन वॉज मेड ऑफ वांडा सो दैट्स ऑल फॉर टूडे स्टूडेंट टूमारो विल रिवाइज पार्ट टू ऑफ द सेम चैप्टर ओके बाय हैव अ नाइस डे अहेड